नमस्कार। हमारा आज का विषय है रिसाइकल बिन। इसमें हम आपको बताएंगे कि रिसाइकल बिन क्या है, कि कंप्यूटर में कहां होती है और इसका उपयोग कैसे करते हैं। डेस्कटॉप पर यहां आप एक आइकन देख पा रहे हैं, ये है रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन एक प्रकार का डस्टबिन यानी कचरे की बाल्टी है। हम कंप्यूटर में जो भी फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं वो जाकर इसमें स्टोर हो जाती है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि रिसाइकल बिन एक ऐसा फोल्डर है जिसमें डिलीट किए गए फाइल और फोल्डर को टेम्पररी यानी अस्थाई रूप से स्टोर किया जाता है। प्रायः जिस तरह हम कचरे की बाल्टी भर जाने पर खाली करते हैं, ठीक उसी तरह हम कंप्यूटर में काम करने के दौरान रिसाइकल बिन भी खाली करते रहते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि गलती से या भूलवश हम कोई उपयोगी वस्तु कचरे की बाल्टी में डाल देते हैं और बाद में ध्यान आने पर हम कचरा फेंकने से पहले उस उपयोगी वस्तु को बाल्टी से निकाल लेते हैं। बस इसी तरह जब भूल से या गलती से कोई उपयोगी फाइल या फोल्डर हम डिलीट कर देते हैं तो उसे भी हम कंप्यूटर के रिसाइकल बिन से निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर में हम जो भी फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं, कंप्यूटर हमें रिसाइकल बिन के माध्यम से उन्हें पुनः प्राप्त करने का एक अवसर देता है। आइए देखते हैं कैसे। पिछले वीडियो में आपने फोल्डर और फाइल को डिलीट करना सीखा। जब हमने उन फोल्डर और फाइल को डिलीट किया था तो वे यहाँ पर रिसाइकल बिन में स्टोर हो गई। फोल्डर वाली वीडियो में हमने पर्सनल नाम का एक फोल्डर और रमेश नाम की एक फाइल डिलीट की थी। अभी हमें ध्यान आया कि ये दोनों तो हमारे काम के हैं, हमने इन्हें गलती से डिलीट कर दिया है, तो आइए हम इन्हें रीस्टोर कर लेते हैं। रिसाइकल बिन के आइकन पर माउस पॉइंटर ले जाकर माउस के लेफ्ट बटन पर डबल क्लिक करें। ये देखिए रिसाइकल बिन ओपन हो गया है और इसमें हमारे द्वारा डिलीट की गई बहुत सी फाइल्स और फोल्डर्स दिखाई पड़ रहे हैं। इनमें से आप जिन भी फाइल्स या फोल्डर्स को रीस्टोर करना चाहते हैं, यदि वे दूर दूर हो तो कंट्रोल प्रेस करके माउस की सहायता से सिलेक्ट कर लें। और यदि वे पास पास हैं तो उन्हें माउस की सहायता से सिलेक्ट कर लें। हमने अपनी जरूरत के फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया है। अब सिलेक्ट किए गए फाइल या फोल्डर में से किसी पर भी पॉइंटर रख कर माउस का राइट बटन क्लिक करें। ये देखिए ऐसा करते एक मेन्यू आ गया है जिसमें सबसे ऊपर ऑप्शन है रीस्टोर, इस पर क्लिक करें। देखिए ऐसा करते ही सिलेक्ट किए गए फाइल और फोल्डर रिसाइकल बिन से चले गए हैं। अब इस विंडो को बंद कर देते हैं। ये देखिए डेस्कटॉप पर पर्सनल फोल्डर वापस आ गया है। अब हम भारत नाम का फोल्डर भी ओपन करके देख लेते हैं। ये देखिए रमेश नाम की जो फाइल थी वो यहाँ पर रिस्टोर हो गई है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखें कि हम जिस स्थान से फाइल, फोल्डर, पिक्चर, डॉक्यूमेंट इत्यादि कुछ भी डिलीट करते हैं वो उसी स्थान पर वापस जाकर रिस्टोर होता है। अब हम आपको बताते हैं रिसाइकल बिन कैसे खाली करते हैं, पर उसके पहले एक खास बात ध्यान रखें कि रिसाइकल बिन खाली करने से पहले हमेशा रिसाइकल बिन ओपन करके देख लें कि उसमें कोई उपयोगी फाइल या फोल्डर तो नहीं है, क्योंकि एक बार रिसाइकल बिन खाली करने के बाद आप कुछ भी वापस नहीं ला सकेंगे। रिसाइकल बिन को खाली करने के लिए उस पर माउस के राइट बटन से क्लिक करें। ऐसा करने पर एक मेन्यू आएगा, इसमें एम्प्टी रिसाइकल बिन पर क्लिक करें। ऐसा करते ही ये डायलॉग बॉक्स आ गया है जिसमें पूछा जा रहा है आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दीज आइटम्स, यानी क्या आप इन आइटम्स को हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं। यदि आप डिलीट करना चाहते हो तो यस पर क्लिक करें और यदि नहीं तो नो पर क्लिक करें। हम यस पर क्लिक कर रहे हैं। ये देखिए रिसाइकल बिन खाली हो गई है। इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।